सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक गंगवार, चर्म रोग विशेषज्ञ। मेरा बरेली में दीपक स्किन एंड लेजर क्लिनिक के नाम से सेंटर है, और आज हम बात कर रहे हैं विटिलिगो के बारे में, जिसे हम आम भाषा में सफ़ेद दाग बोलते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो सोशल स्टिग्मा जो जुड़ा है वही लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसके बारे में मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इसके कुछ मिथ एंड फैक्ट्स हैं, कुछ सच्चाइयाँ और कुछ लोगों में बहुत सारी बातों को लेके भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग इस तरीके की बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में ऑटोइम्यून होती है। आपकी बॉडी में खुद से ऐसी एंटीबॉडी बनती है जो कि आपके कलर देने वाली सेल मेलेनोसाइट सेल्स को मार देती है। बहुत सारे लोगों में इसके बारे में कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि अगर किसी को एक जनरेशन में विटिलिगो है तो क्या वो हमारे बच्चों में भी जाएगा या और जनरेशन्स में भी उस जाएगा, तो ये कुछ लोगों में दिक्कत रहती है, तो लोग शादी करने में हिचकते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो 17 से लेके 22% 23% लोगों में ही होता है, बाकी लोगों में ही ऑटोइम्यून होता है और किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेके और काफ़ी एडल्ट एज में भी लोगों को देखने को मिला है। मोस्ट कॉमनली ये 3rd-4th decade में होता है। तो पहला तो मिथ एंड फैक्ट ये होगा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी को है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आगे की जनरेशन में भी लोगों में जाएगा। दूसरा, खाने से रिलेटेड बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। लोगों को लगता है कि अगर हम कोई सफ़ेद चीज़ खाएंगे और हमें सफ़ेद दाग हो गया है तो कोई भी सफ़ेद चीज़ खाएंगे तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये खाने से नहीं होता, ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी, अंदर से एंटीबॉडी बन गई है। बहुत सारे लोग, बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने पहले मछली खाई, उसके बाद मैंने दूध पी लिया और उसके बाद मुझे ये हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दूर दूर तक इसका खाने से कोई लेना नहीं देना नहीं है। तो ये बीमारी अगर किसी को है तो खाने का किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना रखें, क्योंकि लोग रेस्ट्रिक्शन रखते हैं तो उससे उन्हें और उनकी इम्यूनिटी पे, उनके हेल्थ पे और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बीमारी का ऑलरेडी है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे भी उसका बहुत असर पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। दूसरा, खाने से रिलेटेड बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। लोगों को लगता है कि अगर हम कोई सफ़ेद चीज़ खाएंगे और हमें सफ़ेद दाग हो गया है तो कोई भी सफ़ेद चीज़ खाएंगे तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये खाने से नहीं होता, ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी, अंदर से एंटीबॉडी बन गई है। बहुत सारे लोग, बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने पहले मछली खाई, उसके बाद मैंने दूध पी लिया और उसके बाद मुझे ये हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दूर दूर तक इसका खाने से कोई लेना नहीं देना नहीं है। तो ये बीमारी अगर किसी को है तो खाने का किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना रखें, क्योंकि लोग रेस्ट्रिक्शन रखते हैं तो उससे उन्हें और उनकी इम्यूनिटी पे, उनके हेल्थ पे और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बीमारी का ऑलरेडी है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे भी उसका बहुत असर पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सफ़ेद दाग के कई सारे प्रकार हैं, जैसे 5 प्रकार हैं। तो उन प्रकार में कुछ ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे फोकल लीजन है, यानी कि आपके शरीर में 1-2 पैच हैं जो लार्ज पैचेस हैं या स्मॉल पैचेस हैं, तो उनका वो आसानी से इलाज करते हैं। आप लग के तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों में ये डिफ्यूज प्रोग्रेसिव वैरायटी होती है जिसमें बहुत तेज़ी से लोगों में सफ़ेद दाग बढ़ते हैं। अगर उन्हें भी समय पे कंट्रोल कर लिया जाए तो आप कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन उनके पूरी तरीके से ठीक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा लिप्टिक विटिलिगो होता है जिसमें होठों पे होता है या आपके हथेली पे है, तो इसका करेक्शन, इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर है, ये आसानी से ठीक नहीं होता। लेकिन आजकल इसके लिए भी बहुत सारी सर्जरीज होने लगी हैं, जैसे नॉन कल्चर मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांट है, ये कर सकते हैं।
ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग है उसे करा जा सकता है, पंच ग्राफ्टिंग है वो किया जा सकता है, तो उन सब मेथड से भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। या किसी को बहुत ज़्यादा लार्ज सर्फेस एरिया में, तो आजकल पूवा थेरेपीज होती हैं, पूवा चैम्बर्स हैं, उनमें आप दवा खा के थोड़ी देर बैठ सकते हैं, वो ग्रेडेड तरीके से आपको स्किन स्पेशलिस्ट बता देंगे। उसी तरीके से वो वीकली वीक में 3 बार उस तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, तो धीरे धीरे उससे भी करेक्शन होता है। यही सब है, लेकिन ये इससे सोशल स्टिग्मा जुड़ा है। और मैं सोसाइटी को ये बताना चाहता हूँ कि जो जिनमें सफ़ेद दाग हैं उनसे प्लीज़ इस तरीके के की घृणा ना करें, और वो ऐसा नहीं है कि छूने से फैलने वाली कोई बीमारी है ना। उन्हें भी आप अपने बीच में वैसा ही स्थान दें जैसा आप बाकी सभी को देते हैं। धन्यवाद।